आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी झूठ पर राजनीति नहीं करती है। कि दलित के साथ रेप हुआ वहाँ बोलो ना, हिंदुओं के साथ रेप हुआ वहाँ तो तुम बोलते नहीं हो। जैसे हिंदू मुस्लिम का कांड होएगा वहाँ तुरंत आ जाएंगे दलितों से, कहेंगे आओ तुम हिंदू बन जाओ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। आज के दिन, आज 9 अक्टूबर है और आज वही दिन है जब माननीय काशीराम यानी बसपा के संस्थापक का परिनिर्वाण हुआ था, यानी आज के दिन वो पल्लोक सुधार गए थे। इसी के उपलक्ष्य में आज जो नोएडा में जो पार्क है मायावती का बड़े पार्क, दलित प्रेरणा स्थल है, दलित प्रेरणा स्थल पे लाखों की संख्या में जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हुए हैं। आप लोग इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्यों यहाँ पर आए हैं और उनका क्या मानना है। सर पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहित सक्सेना है और मैं जनरल जाति से आता हूँ। अच्छा। हाँ, और क्षत्रिय समाज में रहता हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हम जो हमारे पिछड़े भाई बंधु हैं, हमारे जो लोग हैं पिछड़े, जो हमसे पिछड़े हैं हमारे अपने, लेकिन जो दलित एससी एसटी ओबीसी के लोग पिछड़े हैं उन्हों को, उन लोगों के लिए हम इतना कर सकते हैं कि अपनी बराबरी पर अगर नहीं ला सकते हैं तो उनको जमीन से कुछ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग अभी जानते नहीं हैं कि माननीय बहन जी ने क्या किया, माननीय काशीराम जी ने क्या किया था, तो हम उन लोगों को जगा रहे हैं। क्योंकि 15 और 85 का आंकड़ा जो दिया गया है वो आंकड़ा है कि हिंदू से मुस्लिम को लड़ाना और जातियों में बांटना, तो ये 85% के लोग ज़्यादा हैं और 15% के लोग कम हैं, लेकिन 15% के जो लोग हैं वो 85% पर राज कर रहे हैं। तो हम अपने 85% के जो भाई हैं उन लोगों को जगा रहे हैं। और हमारा मिशन है कि ये मिशन इस झंडा को लेके घूमना नहीं है, हमारा मिशन है कि माननीय काशीराम जी के आदर्शों पे चल करके हम सोती हुई कौम को जगा करके और आगे बढ़ें और उन लोगों को हम इस देश के लिए हिस्सेदारी बने। जब वो लोग आगे बढ़ेंगे और जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो हमारा पिछड़ा वर्ग ऊपर को जाएगा। मान्यवर काशीराम नारा लगाए थे कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ऐसा नारा बहुजनों की तरफ से लगता था, लेकिन आज की तारीख में देखा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो उसकी राजनीति है, लगातार जो है धरातल में जाती जा रही है उसकी। ना ही हरियाणा में अभी हाल ही में कल ही इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, ना ही उनके हरियाणा में सीट आई है और ना ही उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा खास वो करती हुई दिखाई है। लोकसभा में उनकी 0 सीट रही, इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं विधानसभा क्षेत्र अतरौली से विधानसभा प्रभारी हूँ और बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप बात करना चाहेंगे तो बहन जी सबसे पहले जो हमारा मिशन मूवमेंट है उसके लिए काम करती हैं। अगर बहन जी ने वहाँ भी कहा था कि ये लोग हरिजन शब्द कह रहे थे, लेकिन बहन जी ने साफ कहा, यानी बहन जी का साफ उद्देश्य है कि हम जो दबे कुचले पिछले पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से मानवर काशीराम साहब ने साइकिल से यात्रा करके पूरे हमारे देश को हर राज्य में जाकर के उन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, उसी तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ घटा नहीं है, वहाँ पर वोट परसेंट हमारा बढ़ा है। जो अभी परिणाम जो आए हैं उसमें हरियाणा में 4% वोट शेयर होता था बहुजन समाज पार्टी का, आज की तारीख में जो कल रिजल्ट आया उसमें 1% वोट शेयर मिला है, तो ये सीधा सीधा वोट घटा हुआ है। आप बता रहे हैं बढ़ा गया है, पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा हुआ है, पिछली बार थोड़ा कम था। और ये मिशन मूवमेंट का कार्य है, बहन कुमारी मायावती जी जो हैं पूरे देश में धीरे धीरे, मतलब जो पार्टी का ग्राफ है वो पूरे देश में फैला दिया है। पहले केवल उत्तर प्रदेश में ही हमारा बहुत अच्छा परिणाम हुआ करता था, 4 बार की सीएम रह चुकी हैं, तो हमारी ये बहुजन समाज पार्टी जो है कमज़ोर पार्टी नहीं है। अगर बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही हैं, उस संघर्ष को जो काशीराम साहब ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, ज्योतिबा राव फूले जी ने किया, जो हमारे दलित और पिछड़े लोगों की लड़ाई है, केवल सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही इस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बाकी लोग तो केवल दिखावा और छलावा करते हैं, ये संविधान की कॉपियां ले लेकर पूरे देश में जाते हैं। जब अत्याचार दलितों पर होता है तो इनका मुंह नहीं खुलता, जब अत्याचार पिछड़ा पर होता है तो उनका मुंह नहीं खुलता, ये केवल सत्ता पर काबिज होकर के, मतलब ये दबे कुचले पिछड़े लोगों की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए इनका कहना है कि अभी भाई साहब ने कहा कि जो लोग हैं वो लोग दिखावे की राजनीति करते हैं, हाथ में संविधान रखते हैं, क्या आपको लगता है चंद्रशेखर रावण जो हैं आज़ाद हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं?
क्या वो बहुजन समाज पार्टी को जो धरातल पे है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके पीछे राज्यसभा सदस्य की सीट छोड़ी थी, आपको पता होना चाहिए, जिस समय राकेश रावण उर्फ राज उन पर चंद्रशेखर आजाद पर जो है का आपत्ति आई थी, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनका साथ दिया था और राज्यसभा में उनके पक्ष में पूरी तरह से जो है का वो तो रोहित वेमुला के लिए, जब मायावती चंद्रशेखर आजाद के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया आदरणीय बहन जी ने। जी और आदरणीय बहन जी जो है का अपने समाज के प्रति बहुत ही सचेत रहती हैं और उनका हमेशा का मतलब ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे आया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अब मैंने देखा कि कई दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, खुद बहन जी ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस में चले गए, कुछ समाजवादी में पीडीए के नाम पर चले गए, अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास क्या ऑप्शन है? आदरणीय बहन जी एक सबसे लास्ट और पहला ही अंतिम विकल्प है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए। आदरणीय बहन जी से ज़्यादा एससी एसटी के और ओबीसी के लिए किसी व्यक्ति ने नहीं किया जितना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आज जिस हम प्रेरणा स्थल पर आए हैं उस पर जो है देखिए आप जो है इतना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एससी वर्ग के लिए एक प्रकार की एक मिसाल छोड़ दी है, और एक रमाबाई अम्बेडकर पार्क है लखनऊ में उसके लिए भी एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मिसाल छोड़ रखी है। इससे ज़्यादा आपको क्या चीज लगेगी कि बहन जी ने एससी समाज के लिए और ओबीसी के लिए क्या नहीं किया है? लेकिन एससी ओबीसी समाज क्यों बहन जी के साथ नहीं दिखाई देता चुनाव में? वैसे तो दिखाई देता है, लेकिन जब चुनाव में वोट डालने की बात आती है तो वो एससी व एसटी समाज जो है दूसरी पार्टियों की तरफ जाता दिखता है, कभी वो राशन के नाम पर बीजेपी के साथ चला जाता है, कभी वो पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, बहन जी के साथ क्यों नहीं लामबंद हो रहा समाज? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। ऐसा है कि अभी हाल में पिछली बार जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और आज भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको पता होगा कि 15 लाख माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि मैं हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालने का काम करूंगा और आवास जलवाने का भी काम करूंगा और 2 करोड़ नौकरियां जो कि प्रतिवर्ष जो आएगा 2 करोड़ नौकरियां देने का भी काम करूंगा, सब इनके वादे खोखले रहे, ना तो 2 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए दी गई और ना ही हर गरीब। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी का कार्डर है जो एससी एसटी वोट है वो बहन जी के साथ क्यों नहीं दिखाई देता चुनाव के समय में? वैसे तो दिखाई देता मैं बताऊंगा, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी झूठ पर राजनीति नहीं करती है, ना ही उन्होंने कभी चुनाव से पहले कोई एजेंडा जो है देती है, एजेंडा भी नहीं। आप बताइए क्या कह रहे थे? आपका क्वेश्चन है कि दलित और ओबीसी का वोट क्यों खिसका बहन जी के पास से? उसके खिसकने के कई कारण होते हैं, जो धर्म होता है ना वो एक चाशनी होती है कि जितना उसमें लिपटोगे इतना तुम डूबते चले जाओगे। बहन जी तो कहती हैं हम धर्म को मानते ही नहीं, हमारे तो एक धर्म है जो बहुजनों की सेवा है धर्म है। नहीं बहन जी कहती हैं, लेकिन छोटा वर्ग होता है जो हमारा अनुसूचित वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, उसके पास अभी उतने शिक्षा के साधन नहीं है जो वो समझ पाए, और जो हमारा सामने जो हमारा दुश्मन है वो बहुत चतुर और चालाक है। दुश्मन कौन है? दुश्मन जो भी है नाम लीजिए दुश्मनों का, तो जो सामंतवादी है, जो सनातनी बोलते हैं अपने आप को, वो एक सेंटेंस में तो ये बोलते हैं कि हम समान हैं और लेकिन आरक्षण का विरोध करते हैं, ठीक है, और जहां अगर हम हिंदू उनके भाई हैं तो बोले ना आके भाई जैसे नौकरी हम कर रहे हैं आओ हमारे साथ करो नौकरी, लेकिन वो नहीं करेंगे, लेकिन जहां उन्हें दंगे कराने होते हैं वहां वो दलित को और ओबीसी को अपना भाई बना लेते हैं, और जैसे हकों का मामला आएगा वहां कह देंगे तू दलित है तू ये है तो वो है। आपने जितने भी रेप देखे होंगे, जितने भी रेप हुए हैं वो अखबार और टेलीविजनों में दिखाए जाते हैं कि दलित के साथ रेप हुआ, वहाँ बोलो ना हिंदुओं के साथ रेप हुआ, वहाँ तो तुम बोलते नहीं हो, लेकिन जैसे हिंदू मुस्लिम का कांड होएगा वहाँ तुरंत आ जाएंगे दलितों से कहेंगे आओ तुम हिंदू बन जाओ। तो ये जो इनकी मोनोपोली है ना ये बड़ी तगड़ी है। ठीक है ठीक है, हरियाणा में मायावती जी ने जो है INLD के साथ गठबंधन किया और उन पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हरियाणा में जाटों ने जो है दलितों को वोट नहीं दिया, लेकिन दलितों का जो वोट जो है वो जाटों की तरफ चला गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं बहन जी का गिराफ क्यों गिरा, जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 1991 में जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस की, जब उनकी 300 कुछ सीट आई थी, तो ये जो समय होता है समय परिवर्तनशील होता है, कभी डाउन जाता है कभी अप जाता है, आप जवान हैं आप बूढ़े होंगे, ऐसे ही राजनीति है, थोड़े से वोट खिसके हैं वो आएंगे, जब उन्हों को मिलेगा नहीं ना कुछ वो सब वापस आएंगे। और आपको बहन जी ने जितना काम दलित वर्ग के लिए किया ओबीसी के सम्मान के लिए किया, आप पार्कों में देख लो, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देख लो, आप स्कूल देख लो, नोएडा में 4 बनाए, नोएडा का अस्पताल बहन जी ने बनाया,
जितना काम बहन जी ने किया इस पूरे उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री की अगर साथ पुश्ते आ जाए ना, वो काम नहीं कर पाएंगी ना उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो तो सपने में इतना काम नहीं कर पाएगा जितना बहन जी ने करा है, स्कूल के लिए, छोटे वर्गों के लिए। ये देख रहे हैं इतना बड़ा जो उनका राम मंदिर अभी 10% बना है, 10% की आड़ में उन्होंने वोट ले लिया और ये आलीशान स्मारक बहन जी ने बना दिया 5 साल में, और घर घर जाके उन्होंने भिखारी भेज दिए थे कि राम मंदिर के लिए चंदा दे दो और करोड़पति हो गए, एक 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 चुटियाधारी ने एक एक करोड़। यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका क्या मानना है। भैया आप बताइए, आप कैसे किस तरह देखना चाहते हैं? जी कुछ बातें मैं कह रही हूं। जी 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 हाँ बताइए बाबू, क्या कहना चाहते हैं? इस देश के अंदर जो बीजेपी और आरएसएस हिंदूवाद को बढ़ावा देती है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या हम हिंदू हैं? जब ब्राह्मण अगर मंदिर में रहता है तो वो पवित्र हो जाता है, जब दलित एससी एसटी ओबीसी का आदमी जब मंदिर में घुसता है तो वो अपवित्र हो जाता है, तो ये कैसे देश हिंदूवादी हो सकता है? कैसे हो सकता है आप बताइए? दलित लामबंद क्यों नहीं हो रहे? तो फिर जब 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 ये सब बात आप बताए, आपके समाज को ये बात पता है, तो वो लामबंद क्यों नहीं होते? लामबंद वो इसलिए नहीं होते, जो जो व्यक्ति हजारों साल से दबा कुचला रहा, उसको संपत्ति इकट्ठा नहीं करने दी, उसको पढ़ने नहीं दिया, जो वो अपने मतलब से कार्य करना चाहता था उसको वो कार्य नहीं करने दिया गया, अब वही विचारधारा के लोग झूठ का सहारा लेते हैं हर समय का, धर्म का सहारा लेते हैं जो झूठा है उनका, मिथ्या है का। मान्यवर काशीराम ने दो संगठन बनाए थे, एक था बामसेफ और एक था DS4, लेकिन आज की तारीख में बामसेफ और DS4 तो बिल्कुल नदारद हो चुके हैं, ना ही वो जमीन पर दिखते हैं, ना ही वो किसी संस्थाओं उनमें उस तरह उसका काडर होता है। तो DS4 के और बामसेफ के खत्म होने का एक तरीके से कहें तो इनका क्या कारण है? ऐसा है, समाज हितैषी होना अलग है, राष्ट्रभक्त होना अलग है और पूंजी भक्त होना अलग है। अब लोग जो है कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजी के बल पे ही वो जो है दलितों को पूंजीपतियों के कहने से इधर उधर झूठी झांठी बातों में मतलब घुमा कर के नया इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी स्टेटमेंट, इसके लिए आप लोगों को जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनका फर्ज बनता है कि वो भी इन्हीं वर्गों विशेष के लोग हैं जो सोशल मीडिया में हैं, इसलिए उनको घर घर जा कर के निया महिलाओं को, नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को समझाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग तो बाबा साहब की रीति और नीति को समझ कर के निया बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम बाबा। आज ये हमारे जो एक त्याग की प्रतिमूर्ति भी हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया समाज के लिए किया और समाज को इकट्ठा करने के लिए किया और बाबा साहब के आदर्शों का अनुपालन कराने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने जब बाबा साहब को समझा पढ़ा तो उन्होंने ये सीखा कि अगर बाबा साहब की एक एक बात जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगी और जनता के पहुंचने के साथ साथ जब तक एक पार्टी बनाकर हम बाबा साहब के अनुयायी एकत्र नहीं होंगे और संविधान की रक्षा के लिए एक पार्टी बना के शासन पर तब तक हम कब्जा नहीं करेंगे, तब तक उस संविधान का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है सवाल सुनिए। अब सवाल ये है मेरा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने ये ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव की तरह वो उपचुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ेगी, ठीक है। अब मायावती जी की जो क्या क्या रणनीति है, क्या उनकी प्लानिंग रहेगी? आकाश आनंद फैक्टर जो हरियाणा में आकाश आनंद ने खून पसीना बहाया लेकिन वोट में कन्वर्ट एक भी सीट नहीं आ पाई, यूपी में क्या जलवा दिखाएंगे? देखो मैं जाट समाज से आता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बार आप जाट समाज से आते तो ये आपके लिए भी है कि जाटों ने क्यों वोट नहीं दिया हरियाणा में बहन जी को, वो बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जाट समाज से आता हूँ और हम लोगों ने क्या है कि बहन जी का 4 बार का शासन देखा है और हमें ये पता है कि बहन जी से अच्छा शासक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसने सर्व समाज को और सर्वजन समाज सर्वजन हिताय का जो नारा दिया था वो बहुत अच्छा था। अभी हरियाणा के जो लोग हैं अभी इस बात को नहीं जान पाए हैं कि बहन जी को नहीं पहचान पाए, इसलिए अगर बहन जी का ये निर्णय है तो हम इस निर्णय की बहुत सराहना करते हैं।